लाइक करें इस वीडियो को, और हाँ सब्सक्राइब करें न्यूज़ ब्लॉग 2M को, और बेल आइकन को ऑल पे करना मत भूले। धन्यवाद। तो इंडिया ने अपनी तरफ से जो साजिशें की, उसने तो ये सोचा कि इन साजिशों के जरिए से वो पाकिस्तान में क्रिकेट को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा अच्छा इंडिया ने ये किया, और देखिए अल्लाह ताला का निजाम देखें, आप किसी के लिए गड़ा खोदते हैं तो खुद उसमें गिरते हैं। आज इंडिया आउट हो गया वैसे ही, अब पाकिस्तान सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ को और इंडिया को इस वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। इंडिया की बड़ी उम्मीदें थी कि शायद अफगानिस्तान आज का मैच जीत जाएगा और फिर इंडिया के पास एक मौका होगा क्वालिफाई करने का, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और जो पीछे के दरवाजे से इंडिया एंट्री लेना चाह रहा था तीन छोटी टीम को हराकर, अब वो ख्वाब उनका पूरा नहीं हो सकता। इस वक्त पाकिस्तान की टीम की स्ट्रेंथ है क्या? इतना जबरदस्त यही लड़के थे जो पिछले एक दो सालों से खेलते नजर आ रहे थे, लेकिन जो इस वक्त नजर आ रहा है हमें, इतनी डिसिप्लिन्ड टीम और जिस तरह से एक टीम वर्क नजर आ रहा है, जैसे हिलाल साहब ने बहुत अच्छा एनालाइज किया कि इस वक्त फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन हमें नजर आ रहा है, तो आपको क्या स्ट्रेंथ नजर आ रही पाकिस्तान टीम की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, इस वक्त पाकिस्तानी टीम की मुझे जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही है वो है इनकी यूनिटी, और वो है इनका टीम वर्क, और उसकी बुनियादी वजह इंडिया। अच्छा, हाँ जी, आपने क्रेडिट इंडिया को दे दिया। नहीं, उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्रेडिट नहीं इंडिया को दे रहा, मैं ये इंडिया को डिसक्रेडिट कर रहा हूँ कि इंडिया ने पाकिस्तानी लड़कों में वो जोश बढ़ने में, जो शायद कोच और पीसीबी मिल के भी वो जोश ना बढ़ सकते, जो इंडिया ने अपनी हरकतों से इन लड़कों में बढ़ दिया। ना इंडिया स्ट्रेटजी अपनी करता, ना बिग थ्री मुल्कों के साथ मिलके पाकिस्तान में क्रिकेट को तबाह करने की कोशिश करता, ना न्यूजीलैंड का दौरा जो है उसके लिए ऐसे हालात पैदा किए जाते कि न्यूजीलैंड का दौरा यहाँ से ख़त्म होता, ना इंग्लैंड अपना दौरा मंसूख करता। तो इंडिया ने अपनी तरफ से जो साजिशें की, उसने तो ये सोचा कि इन साजिशों के जरिए से वो पाकिस्तान में क्रिकेट को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन पाकिस्तानी कौम जो है वो उसमें क्रिकेट का जुनून है, इन्हें बुखार चढ़ जाता है क्रिकेट का। तो उसी तरह से जो लड़के हैं टीम में, उन्होंने इसको पॉजिटिव ले लिया, उन्होंने कहा अच्छा इंडिया ने ये किया, और देखिए अल्लाह ताला का निज़ाम देखें, आप किसी के लिए गड़ा खोदते हैं तो खुद उसमें गिरते हैं। आज इंडिया आउट हो गया वैसे ही, अब पाकिस्तान सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा, न्यूजीलैंड इंग्लैंड के साथ खेलेगा, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा के जब फाइनल में पहुंचेगा तो उसका मुकाबला इंग्लैंड से होगा, और फिर हम इंशाल्लाह इंग्लैंड की टीम से भी बदला लेंगे। वो एक बदला जो रह गया वो इंशाल्लाह चाहिए कि न्यूजीलैंड ने भी आज जबरदस्त खेल पेश किया, 8 विकेट से हराया अफगानिस्तान को और इंडिया को इस वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। इंडिया की बड़ी उम्मीदें थी कि शायद अफगानिस्तान आज का मैच जीत जाएगा और फिर इंडिया के पास एक मौका होगा क्वालिफाई करने का, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और जो पीछे के दरवाजे से इंडिया एंट्री लेना चाह रहा था तीन छोटी टीम को हराकर, अब वो ख्वाब उनका पूरा नहीं हो सकता। जो खिलाड़ी है वो कितने मायूस हो गए हैं, कितने बददिल हो गए हैं अपनी टीम की कारकर्दगी से, खासतौर पर पहले दो मैचेस में। सुनील गावस्कर हो, कपिल देव हो, या फिर हरभजन सिंह, वो कह रहे हैं कि हमने उन दो मैचेस में इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की। विराट कोहली ने सेकंड मैच के बाद, जो पिछला मैच जीता है, उसमें उन्होंने कहा कि हमारी बैड लक थी कि हमने एक दो ओवर बुरे खेले न्यूजीलैंड के साथ। उनके बॉलिंग कोच ने कहा है कि टॉस इतना मायने रखता है, टॉस हम जीत जाते तो शायद मैच का फैसला अलग होता, और ये अनफेयर है उनके मुताबिक कि टॉस पे गेम का इनसार हो। लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया में जब टेस्ट क्रिकेट होती है, जो पहले टॉस जीत के बैटिंग करता है मोस्ट लाइकली वो जीत जाता है, क्योंकि तीसरे दिन तक विकेट इतनी बुरी हो चुकी होती है कि चौथे इनिंग्स में बड़ा मुश्किल होता है खेलना। तो इंजी भाई एक और शॉट में जरा हरभजन सिंह का, क्योंकि वो बनता है क्योंकि हरभजन सिंह बार बार चैलेंज कर रहे थे कि वॉक ओवर पाकिस्तान को दे देना चाहिए। अच्छा, मैच हारने के बाद भी उनकी उम्मीद नहीं टूटी, उन्होंने कहा पाकिस्तान का फिर मुकाबला होगा इंडिया से और उस मैच में फिर इंडिया मारेगा पाकिस्तान। बड़ा मजा आ गया भाई, बड़ा मजा आ गया। हाँ, करो से वो पहन रहा था, उनके गम में पहन रहा था। हाँ, मुझे बिल्कुल वहाँ गम था, तो मैंने कहा मेरे पड़ोसी हैं, अगर उनको कोई गम है तो मैं भी उनके साथ दूँ, थोड़ा सा दुख उनका शेयर करूँ। हाँ, तो मैंने इसलिए आज काले कपड़े बेचारे हरभजन बड़ी उम्मीद में थे कि शायद दोबारा मुकाबला। आपने पड़ोसी का कह रहे हैं? मेरे पड़ोसी में वो उनका जिक्र ना। अच्छे तो इंजी भाई डिजर्व नहीं करता था वैसे इंडिया, क्योंकि दो बड़े मैचेस तो हार गया था, फिर हल्की टीमों से अगर रन रेट की बुनियाद पे आते तो वो एक मजा नहीं आता। अच्छा, वैसे एक बात की जाए, ये एक तो इंडिया बुरा खेला, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, और इसको बहुत डिस्कस भी किया गया है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे डिस्कस करता हूँ, ये जिस टाइम
विराट का वर्ल्ड कप से थोड़े अरसे पहले एक स्टेटमेंट पहले आई थी कि जी विराट है ना ये अपना आखिरी उसमें कैप्टनसी कर रहा है जी। फिर बीसीसीआई ने ना इसको रिफ्यूज़ किया था कि नहीं ऐसी बात नहीं है कोई भी। उसके बाद इन्होंने फिर दोबारा विराट ने ऐलान किया कि नहीं मैं ये वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ ये होती है कि जी आप वर्ल्ड कप के बाद है ना क्रिकेट छोड़ दें तो क्योंकि जी मेरा ये आखिरी वर्ल्ड कप है ये ठीक है। लेकिन जिस टाइम जब कोई कप्तान ये कहते हैं ना कि जी मैं इस वर्ल्ड कप के बाद कैप्टनसी छोड़ रहा हूँ लेकिन एज ए प्लेयर खेल लूँगा तो पहली चीज़ के जी गड़बड़ है उसके बीच में ड्रेसिंग रूम में गड़बड़ है कोई।